हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके प्रश्नों की श्रृंखला लेकर, जिसमें हम देखेंगे बॉटनी का पहला सेगमेंट। इसमें हम क्या बात करेंगे, वनस्पति विज्ञान के पहले सेगमेंट यानी लाभदायक पौधों के बारे में। ओके, लाभदायक पौधे, ठीक है। ये क्या आपका चल रहा है, अब ये आपकी शुरुआत हो गई है बॉटनी की, ठीक है। ठीक है, ये अब क्या है आपकी, ये आपकी बॉटनी चल रही, ठीक है। चलो चलो, ओके। तो यहां पर देखो, आपकी बॉटनी में हमने पहला चैप्टर लिया है, वो क्या है आपके, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस वाले प्लांट यानी आर्थिक महत्व वाले पौधे। यहां पे क्या लिखा है, लाभदायक पौधे क्विज, ठीक है। तो चलो यहां पर बात करते हैं आपके लाभदायक पौधों के बारे में। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन आपका पहला क्या कह रहा है, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है, चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त होती है, पत्ती से, जड़ से, तना से, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट क्वेश्चन देख लो सभी लोग, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो। तो यहां देखो, चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त होती है, चुकंदर के किस भाग से, तो जड़ से प्राप्त होती है, ठीक है। क्या है, जड़ से प्राप्त होती है क्या, शक्कर। और चुकंदर जो होती है, इसके भाग से क्या, शक्कर यानी कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए। चुकंदर में क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। चुकंदर में बीटा कैरोटीन होता है, आप जानते हो कि ए लॉट ऑफ सोर्स ऑफ आयरन, लॉट सोर्सेस ऑफ आयरन भी होती है, यानी आयरन का अधिक स्रोत होता है, ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है कि किस भाग से शक्कर प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है आपसे, इसमें आपके जड़ों से होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त हो। देखो, हल्दी, हल्दी का क्या है, यह वैज्ञानिक नाम है किसका, हल्दी का। क्या है, हल्दी का वैज्ञानिक नाम है करक्यूमा डोमेस्टिका। जड़ से, प्रकंद से, पत्ती से, या पुष्प से, बताओ फटाफट। हल्दी किस भाग से प्राप्त होती है, जड़ से, प्रकंद से, पत्ती से, या पुष्प से। तो आप सभी जानते हो कि हल्दी जो है पौधे किस भाग से प्राप्त होती है, आप सभी जानते हो कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो हल्दी जो है पौधे के किससे प्राप्त होती है, प्रकंद से प्राप्त होती है ना भैया, प्रकंद से प्राप्त होती है, ठीक है। हल्दी के किस पौधे किस भाग से होती है, तो करक्यूमा जो डोमेस्टिका है, जो इसके प्रकंद है, मतलब तने, इसको क्या बोलेंगे हम, तना कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, हम तना कहेंगे। तो करक्यूमा डोमेस्टिका जो है के तने वाले भाग से हल्दी प्राप्त होती है, ठीक है। चलो अब यहां पे देख लो फिर से आप लोग, रेसरपीन, रेसरपीन निम्न से किसकी जड़ से प्राप्त होता है, रेसरपीन ये क्या है, रेसरपीन क्या है, राउल्फिया सर्पेंटाइना एक पौधा है, ठीक है। उसी से रेसरपीन प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम क्या बोलेंगे, सीसम बोलेंगे, धतूरा बोलेंगे, या सर्पगंधा या साल बोलेंगे। देखो, धतूरा होता है ना बेलाड्रोना, और आपका सीसम है, सर्पगंधा है, तो यहां पर क्या है, सर्पगंधा, ये क्या है, राउल्फिया सर्पेंटाइना है। क्या ये राउल्फिया सर्पेंटाइना पौधा है, जिससे क्या प्राप्त होती है, रेसरपीन। रेसरपीन क्या है, एक ज्वरनाशक, पीड़ानाशक उपयोग होती है, ठीक है। ज्वरनाशक और पीड़ानाशक में ये प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो रेसरपीन कहां से प्राप्त होगी, सर्पगंधा से। सर्पगंधा क्या है, राउल्फिया सर्पेंटाइना इसका नाम है, ठीक है, क्लियर। चलो देखो, यहां पे लिखा है एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। क्या है एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा है, ठीक है। ये क्या है एट्रोपा बेलाडोना, ये आपका
धतूरा है, ठीक है। तो जो है ट्रोपा बेलाडोना है, इसके किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तने से, जड़ से, पत्तियों या जड़ से, या पौधे के सभी भागों से? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तने से, जड़ से, पत्तियों या जड़ से, या पौधे के सभी भागों से? पत्तियों के सभी भागों से, ठीक है। इसको देख लो फटाफट। इसको देख लिया जाए। अब देखो तो ये क्या होती है, ये पत्तियों से प्राप्त होती है और जड़ों से, यानी इसकी पत्तियों और जड़ों से क्या प्राप्त होता है, इसकी पत्तियों और जड़ों से आपकी औषधि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? औषधि प्राप्त होती है किसकी? एट्रोपा बेलाडोना की पत्तियों और जड़ों से आपकी उसकी औषधि प्राप्त होती है, ठीक है। चलो, गेहूं का दाना बीज कहलाता है, भ्रूण कहलाता है, फल कहलाता है या तना कहलाता है? तो गेहूं का दाना क्या कहलाता है? देखो गेहूं का दाना जो है, अब देखो यहां पे फल, बीज या भ्रूण, तना तो होगा नहीं क्योंकि दाना पूछ रहा है ना, तो यहां पे तीन ऑप्शन आपके बच रहे हैं, बीज, भ्रूण या फल, इनमें से कौन सा होता है ये बताओ आप, ठीक है, बताओ इसमें से कौन सा होता है। तो गेहूं का दाना क्या होता है? गेहूं का दाना वो क्या है? गेहूं का दाना आपका फल है। क्या है आपका? फल है। गेहूं का दाना क्या है आपका? फल है, ठीक है, क्लियर। हॉकी स्टिक बनाई जाती है, हॉकी स्टिक, हॉकी खेलते हैं ना प्लेयर, तो जो हॉकी वाली स्टिक होती है वो किसकी बनती है? मोरस अल्बा नामक पौधे से, साल के पौधे से, तून के पौधे से, या आम के पौधे से, ठीक है। तो जो आपका हॉकी स्टिक है किससे बनाई जाती है? हॉकी स्टिक किससे बनती है? तो हॉकी स्टिक जो है, देखो मोरस अल्बा नाम का एक पौधा होता है, ठीक है, मोरस अल्बा, तो मोरस अल्बा क्या है, इससे हॉकी स्टिक बनाई जाती है। हॉकी स्टिक जानते ही हो, ठीक है, तो मोरस अल्बा क्या होता है? हॉकी स्टिक इसकी बनाई जाती है। कौन से प्रोटीन दालों में सबसे अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? लाइसिन व थ्रियोनिन, ल्यूसिन व वेलिन, ग्लूटामिन व ग्लाइसिन, प्रोलिन व वेलिन। कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? तो देखो दालों में जो प्रोटीन होती है उसे प्रोलेमिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रोलेमिन कहते हैं। बट यहां पे आप जानो कि जो दालों, जो प्रोटीन दालों में और अच्छी मात्रा में मिलती है उनके नाम क्या है? तो उनके नाम है लाइसिन और थ्रियोनिन। क्या है? लाइसिन और थ्रियोनिन, ठीक है। तो लाइसिन और थ्रियोनिन जो होते हैं वो प्रोटीन जो है दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां पे दिया है ग्लूटामिन, तो ग्लूटामिन क्या है? ग्लूटामिन जो है गेहूं की प्रोटीन है, ठीक है। क्या है? गेहूं की प्रोटीन है ग्लूटामिन। अब इस ग्लूटामिन की खासियत सुन लो क्या है। ग्लूटामिन प्रोटीन ही वह कारक है जिससे क्या है, जिससे रोटियां बहुत अच्छी तरीके से फूलती हैं। क्या है? रोटियां अच्छी तरीके से फूलती हैं, ठीक है। तो ग्लूटामिन गेहूं की प्रोटीन है और लाइसिन और थ्रियोनिन क्या है? दालों में रिच सोर्सेस में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय में उत्तेजक गुण इसमें से उपस्थित किस एल्केलाइड के कारण होता है? चाय में जो एक उत्तेजक अवस्था, मतलब जो उत्तेजक जो गुण होता है, ओके, चाय में जो उत्तेजक गुण है तो इसमें उपस्थित किस एल्केलाइड के कारण होता है? टैनिन के कारण, कैफीन के कारण, कैफियोटॉक्सिन के कारण, या थियोब्रोमीन के कारण। फटाफट देख लो बच्चों कि जो चाय का उत्तेजक गुण है वो इनमें से किसके कारण होता है? टैनिन के कारण, कैफीन के कारण, कैफियोटॉक्सिन के कारण, या थियोब्रोमीन के कारण। तो आप यहां पे सुन लो, टैनिन नहीं, यहां पे क्या जाएगा आपका? कैफीन। कैफीन क्या है? कैफीन चाय में उत्तेजक गुण लाने वाला एक
पदार्थ है, ठीक है। कैफीन क्या है? चाय में उत्तेजक गुण लाने वाला पदार्थ है। आप सभी को पता है कि चाय का उत्पादन पत्तियों से होता है और कॉफी का उत्पादन जो है क्या, उसके बीजों को भून करके पीस करके होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें कैफीन नामक पदार्थ होता है, ठीक है। कैफीन क्या करता है, कैफीन हमारे शरीर में क्या होता है, उत्तेजक पदार्थ होता है। क्या होता है, उत्तेजक पदार्थ होता है, ठीक है। और ये हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। कैफीन क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पैलाग्रा नामक रोग का प्रकोप होता है? देखो यहां पे जानो पैलाग्रा क्या है, पहले पैलाग्रा क्या है, पैलाग्रा जो है आपका वो एक आपका विटामिन है, विटामिन जिसका नाम है निकोटीन, निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड या इसे बोलते हैं नियासीन कहते हैं। और ये कौन सा विटामिन है, विटामिन बी थ्री है। कौन सा है, विटामिन बी थ्री, ठीक है। तो विटामिन बी थ्री को नियासीन या निकोटीनामाइड कहते हैं। इसकी कमी होने पर क्या होता है, पैलाग्रा होता है। पैलाग्रा को हम क्या बोलते हैं, चर्मदाह बोलते हैं। पैलाग्रा को हम लोग चर्मदाह कहते हैं। चर्मदाह क्यों होता है, ज्वार के खाने से, मक्का के खाने से, रागी खाने से, चीनी खाने से। अब देखो यहां पे जो ज्वार होती है ना, ज्वार 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 यानी बाजरा, बाजरा ज्वार होती है ना, ज्वार यानी बाजरा, ठीक है। ज्वार को ही बाजरा कहते हैं। तो ये ज्वार के खाने से क्या, ज्वार के अधिक प्रयोग से क्या होता है, अगर हम ज्वार का अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमें पैलाग्रा नामक बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ज्वार के अधिक खाने से हमें पैलाग्रा नामक रोग होता है। किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस फल में, किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आम, अमरूद, जामुन या करौंदा? अब देखो आयरन पूछ रहा है, आयरन यहां पे देखो आम दिया है, तो आम जो है, आम में तो विटामिन ई होता है, अमरूद में विटामिन सी होता है, जामुन में तो भाई मधुमेह का जो है गुण कम, मधुमेह ये करती है, मधुमेह को कम करती है ना, मतलब ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है जामुन। तो जो आयरन होता है वो किस में होता है, करौंदा होता है। करौंदा कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अब स्वाद में खट्टा है तो इसमें विटामिन सी भी हो बिल्कुल रहेगा, लेकिन आयरन पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आयरन पूछ रहा है ना, तो आयरन क्या होगा यहाँ पे, करौंदा में होगा, ठीक है। चलो अधोलिखित में से किसमें तेल, अधो मतलब निम्न में से किसका तेल हृदय रोगियों के लिए काफी उपयुक्त होता है? सूरजमुखी का, कुसुम का, मूंगफली का या सरसों का? निम्नलिखित में से कौन सा तेल जो है हृदय रोगियों के लिए काफी अच्छा होता है? ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। तो यहां पे देखो जो सूरजमुखी होती है, सूरजमुखी, सूरजमुखी का जो तेल होता है क्या होता है, हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, कौन, सूरजमुखी का तेल, ठीक है। अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है, अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है 69.8, 84.4, 64.4, 68.4। अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत कितना होता है? तो यहां पे जो अखरोट में जो वसा का प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 68.4 होता है। क्या होता है, अखरोट में जो वसा का जो परसेंटेज है वो कितना होता है, 68.4 होता है। और ये क्या है, अखरोट जानते हैं एक क्या होती है, अखरोट सूखे मेवे के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। अखरोट कहां होती है, सूखे मेवे के रूप में प्रयोग होती है, और भारत में जो ठंडे प्रदेश हैं, जो अब उत्तरी पूर्वी
ठीक है, उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी में थोड़े से हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल हुआ, ये सब हुआ, तो ये वहां पे अधिकतर पाए जाते हैं। जितने भी सूखे में भी आप देखते होंगे कि वो भारत के उत्तर पश्चिमी यानी जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, मतलब जम्मू कश्मीर में इधर हो गया, आगे बढ़ेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब में, तो थोड़ा सा ये उधर जो सूखे मेवे ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये सूखे मेवे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और ये हमारे हृदय के लिए और हमारे फेफड़े के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, ठीक है। और इनसे में क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर्याप्त मात्रा मिलता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप देखते होंगे ना सूखे मेवे में क्या विटामिन बी का स्रोत, अगर देखा है तो वहां पे दिया जाता है सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स, क्या दिया जाता है, ड्राई फ्रूट्स, तो सूखे मेवे के रूप में ड्राई फ्रूट्स दिया रहता है, ठीक है। तो सूखे मेवे क्या है, अखरोट, काजू, बादाम, केसर, पिस्ता, अंजीर, ये सभी क्या है, ये सब ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। और ड्राई फ्रूट जो अखरोट दिया है आपका यहाँ पे, तो उसमें वसा का प्रतिशत कितना होता है, 68.4 होता है। पूछ रहा है फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज। बताओ फलों में किसकी मतलब कौन शर्करा अधिकतर मात्रा में होती है। तो यहां पे देखो ग्लूकोज तो आपकी ब्लड शुगर है, ग्लूकोज क्या है आपकी ब्लड शुगर है, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, सुक्रोज क्या है शुगर केन की शुगर है, तो यहां पे क्या है आपका फ्रक्टोज आंसर आपको हो जाएगा, क्या जाएगा आपका आंसर फ्रक्टोज। तो फलों में अधिकतर कौन शर्करा होती है, तो फलों में अधिकतर फ्रक्टोज शर्करा होती है, ठीक है। चलो फलों में अधिकतर फ्रक्टोज शर्करा होती है, कौन सा पादप उत्पाद नहीं है, कौन सा पादप उत्पाद नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या, पौधों से कौन सा उत्पन्न नहीं होता है, कैफीन, पिपेरीन, निकोटीन या सैकरीन, बताओ फटाफट। कौन सा पादप उत्पाद नहीं है, कैफीन, पिपरीन, निकोटीन, सैकरीन। देखो कैफीन ये चाय और कॉफी में मिलने वाला पदार्थ है, पिपरीन ये भी पौधों से प्राप्त होता है, निकोटीन ये भी नशीले पदार्थों में होता है, बट सैक्रीन क्या है, सैक्रीन क्या है, सैक्रीन एक आर्टिफिशियल शुगर है, क्या है ये आर्टिफिशियल शुगर है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कृत्रिम शर्करा, इसे हम क्या कहेंगे कृत्रिम शर्करा कहेंगे। जो मधुमेह के रोगी होते हैं वो शर्करा के लिए किसका उपयोग करते हैं, सैक्रीन का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। जो शुगर फ्री होता है ना, शुगर फ्री, तो शुगर फ्री के रूप में सैक्रीन शर्करा का ही उपयोग किया जाता है, तो सैक्रीन क्या है, एक कृत्रिम शुगर है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी समुद्री पादप कितनी गहराई तक पाए जाते हैं, देखो पूछ रहा है जो प्रकाश संश्लेषी समुद्री पादप होते हैं वो कितनी गहराई तक पादप पाए जाते हैं, देखो 20 से 30 मीटर, 120 से 180 से 200 मीटर, 980 से 1000 या 1800 से 2000। देखो तो जो प्रकाश संश्लेषी समुद्री पादप होते हैं ना, ये किस रूप में होते हैं, ये शैवालों के रूप में होते हैं, किसके रूप में होते हैं, शैवालों के रूप में होते हैं। शैवाल क्या होते हैं, शैवाल को हम एल्गी कहते हैं, क्या कहते हैं शैवाल को, एल्गी कहते हैं, ठीक है। अब शैवाल कैसे होते हैं, तो शैवाल इस पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो प्रकाश संश्लेषण की जो अधिकतर जो उसका जो उपयोग करते हैं वो शैवाल ही होते हैं। जो प्रकृति में जो प्रकाश संश्लेषी जो शैवाल होते हैं सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है, वही करते हैं, ठीक है। कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो यही लोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यह पूछ रहा है कि ये कितने गहराई तक होते हैं, तो ये कितना, बस ज्यादा नहीं
20 से 30 मीटर गहराई तक होते हैं। कहां तक होते हैं? 20 से 30 मीटर गहराई तक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखो कि जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, अरे पादप होते हैं, वो समुद्री पादप, वो 20 से 30 मीटर गहराई तक ही पाए जाते हैं। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने से, भाई चना तो जो सूखा है वो लाल ही हो जाएगा ना, जो सूखे चने थे वो लाल होते हैं, तो यूरिएज की, जाइमेज की, माल्टेज की, डाइजेस्टेज, बताओ। देखो यहां पे एक बात ध्यान रखो, मैंने बोला था ना जहां पे एज आएगा, जहां पे एज आएगा वो सभी एंजाइम हो जाएंगे। देखो माल्टोज सरकरा है तो माल्टेज एंजाइम है, डाइस्टेज है, जाइमेज, तो यहाँ पे सब में क्या है? सब में एज है, एज है तो क्या है? एंजाइम है। और अगर ये ओज रहे तो वो क्या आ जाएगी? ओज रहेगी तो सरकरा हो जाएगी। ध्यान रखो, अगर ओज रहेगी तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, अगर एज रहेगा तो एंजाइम। ठीक है, अगर माल्टोज है तो कार्बोहाइड्रेट, अगर माल्टेज है तो एंजाइम, ग्लूकोज है तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकेज है तो एंजाइम। तो यहां पूछ रहा है कि लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है, तो लाल चने में डाइस्टेज एंजाइम मिलता है। कौन सा? लाल चने में डाइस्टेज एंजाइम पाया जाता है। मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? मसालों की सौरभ मतलब स्वाद और सुगंध पूछ रहा है कि जो मसालों में स्वाद और सुगंध होती है वो किसके कारण होती है? अनिवार्य तेल के कारण, फिनॉल के कारण, एरोमेटिक एमिनो अम्ल के कारण, या हार्मोन के कारण? ठीक है, तो मसालों का जो स्वाद और सुगंध है ये क्या होता है? एरोमेटिक एमिनो अम्ल के कारण होता है। क्या होता है? एरोमेटिक एमिनो अम्लों के कारण होता है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक सुगंधित और मतलब खुशबूदार हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? सुगंधित होते हैं। ठीक है, तो जो मसालों में सुगंध और स्वाद होता है वो किसके कारण होगा? एरोमेटिक एमिनो अम्लों के कारण होगा। ठीक है, एरोमेटिक एमिनो अम्लों के कारण होगा। ठीक, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है। अब देखो, वैसे तो फलों की शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। ठीक है, जो फलों की शर्करा होती है तो उसको फ्रक्टोज कहते हैं, लेकिन यहां पूछ रहा है क्या पके हुए अंगूरों, पके हुए अंगूरों में, तो यहां फ्रक्टोज तो दिया है लेकिन यहां फ्रक्टोज नहीं होगा। पके हुए अंगूर क्या होते हैं? उसमें ग्लूकोज बढ़ जाता है। ठीक है, पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज। देखो C6H12O6, ये दोनों क्या है? ये दोनों ग्लूकोज, या इन्हें आप ग्लूकोज कह सकते हैं या फ्रक्टोज कह सकते हैं। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों क्या है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों मोनोसेक्राइड है। क्या है? दोनों मोनोसेक्राइड हैं, और जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, मतलब कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन जो डाइसेक्राइड होते हैं वो हमें क्या? वो हमें देर से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, वो हमें देर से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स हैं और ये हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, चलो, तो पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है। अच्छा, 2 बार क्वेश्चन आ गया क्या ये? चलो कोई इशू नहीं है। वनस्पति संग्रहालय हर्बेरियम क्या होता है? वनस्पति संग्रहालय जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? हार्बेरियम कहते हैं। हार्बेरियम क्या होता है? यहां पे विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को रखा जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को रखा जाता है। तो ये कहां पे क्या, यहां पे क्या होता है? शुष्क रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह होता है, कि औषधीय पौधों का बाग होता है, या अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का बाग होता है, या पौधों के शुष्क नमूनों का परीक्षण केंद्र होता है, बताओ।
यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, जो वनस्पति संग्रहालय यानी हर्बेरियम होता है तो वहां पर क्या होता है, पौधों के शुष्क नमूनों का परीक्षण होता है। क्या होता है? पौधे के शुष्क नमूनों का परीक्षण होता है, ठीक है, परीक्षण होता है। परीक्षण क्या होता है? टेस्ट होता है। क्या होता है? टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो यहां पर जो है वनस्पति संग्रहालय में पौधों के जो है शुष्क नमूनों का परीक्षण होता है, ठीक है। चलो, ठीक है, क्लियर। चलो, यहां पे गलती से आंसर लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है, ठीक है। देखो यहां पे आंसर तो दे दिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बर्थवाइज को समझ लेते हैं हम लोग। जो आपका प्लेग होता है, प्लेग ये क्या है, प्लेग को जानो। प्लेग जो होता है वो चूहों के पिस्सू से होता है, चूहों के पिस्सू होते हैं, ठीक है। उन क्या बोलते हैं, उन पिस्सुओं में क्या होता है, उन पिस्सुओं में पास्चुरेला पेस्ट्रिस जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, वो चूहों के जो पिस्सू होते हैं उनके द्वारा संक्रमित होते हैं, ठीक है। अर्थात जो चूहे होते हैं उनके जो पिस्सू होते हैं ना, पिस्सू, उन पिस्सुओं में पास्चुरेला पेस्ट्रिस नामक जीवाणु होते हैं, ठीक है। ये करते क्या है, जब चूहे में मर जाते हैं चूहे, तो क्या होते हैं, उन चूहों के पिस्सू के जो जीवाणु है ना पास्चुरेला, ये हवा में संक्रमण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्लेग उत्पन्न करते हैं। तो प्लेग के उपचार में कौन सी दवाई जीत जाती है, तो वो क्या है आपकी, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब देखो यहां पर एक चीज और देख लो, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है बनती कैसे है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से बनती है, स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से बनती है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस, ये जो भी है, ये सभी कैसे हैं, ये सभी जीवाणु होते हैं, ठीक है। जीवाणु क्या है, जीवाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर में निवास करते हैं और दो प्रकार के होते हैं, लाभदायक और हानिकारक, ठीक है। तो जो हानिकारक जीवाणु है वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्लास्ट्रिडियम है टिटनेस के लिए, डिप्लोकोकस है न्यूमोनिया के लिए, ठीक है, मैंने बताया था आपको ना रोग में। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर देख लीजिए कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु है, क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दवाई है वो क्या होती है, प्लेग के उपचार में प्रयोग की जाती है, और यहां पर स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा ये निर्मित होती है। ठीक है, बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है। देखो कह रहा है बुखार में शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग होता है। आंसर यहां पे दिया हुआ है एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। अब देखो आप, तो जो एंटीपायरेटिक्स है, ठीक है, तो यहां पे देखो दिया है एंटीबायोटिक्स दिया है ना आंसर, ठीक है। अब देखो यहां पे और भी ऑप्शन दिए हैं, एंटीबायोटिक्स दिए हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, तो एंटीबायोटिक्स होती हैं प्रतिजैविक, कोई बात नहीं, आंसर लग भी गया गलती से कोई दिक्कत नहीं है, और भी आपको ऑप्शन समझा दे रहे हैं ना हम, प्रतिजैविक
क्या होते हैं, प्रतिजैविक होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या है, प्रतिजैविक होते हैं, और क्या होते हैं ये प्रतिजैविक क्या होते हैं, जीवाणु से जो रोग होते हैं जैसे हैजा हुआ, कालरा, तो उसके उपचार में ये प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। अब यहां देखो नारकोटिक्स क्या है, नारकोटिक्स ये ऐसा, नारकोटिक्स क्या है, ये नशीले पदार्थों के बारे में होता है, नशीला पदार्थ, जो नशीले पदार्थ नहीं होते हैं, ठीक है, जो नशीले पदार्थ है वो क्या होता है, वो नारकोटिक्स के अंतर्गत होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। और जो एंटीपायरेटिक्स है क्या है, ये आपका जो एंटीपायरेटिक्स है क्या है, ये आपका है तापमान कम करता है, तापमान मतलब क्या, तापमान को कम करेगा, अर्थात ये क्या होता है, ये ज्वर नाशी होता है, क्या होता है, ये ज्वर नाशी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये ज्वर नाशी होता है, अर्थात आपकी ये बुखार यानी जो आपका फीवर है तापमान को कम करेगा, ठीक है, क्लियर है, चला जाए आगे। गलती सब में आंसर लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन तो करना ही है मुझे, मैं एक्सप्लेन कर दूं, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है, अग्नाशय, यकृत दिया ही है आंसर, वृक्क या छोटी आंत। अब यहां पे देख लो बच्चों, आंसर तो आपका यकृत दिया ही है, लेकिन यहां पे अग्नाशय क्या ये देख लो पहले, अग्नाशय आपके शरीर में पाई जाने वाली एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, जो कहां होती है, जो आपके जो आपका ये डायफ्राम है, यहां पे डायफ्राम के ठीक नीचे आपका आमाशय है, तो आमाशय किधर है, हल्का सा बाएं तरफ, तो आमाशय के ठीक पीछे ऐसे है, ठीक है, क्लियर है, तो आमाशय के ठीक पीछे एक पत्ती के आकार की संरचना होती है गुलाबी कलर की, जिसे क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित क्यों है, क्योंकि इसका जो ऊपरी भाग है, ये वाला ऊपरी भाग जो है ये वही श्रावी होता है, और जो इसका निचला पार्ट है वो क्या होता है, अंतःस्रावी होता है, ठीक है, तो जो वही श्रावी भाग है वो एंजाइम का श्रावण करता है, और जो अंतःस्रावी भाग है वो हार्मोन का श्रावण करता है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम निकालता है, तो ये क्या होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, अर्थात आपके भोजन को पचाने वाले सारे एंजाइम जो होते हैं वो कहां होते हैं, अग्नाशय में होते हैं, और जो ये एंजाइम निकालता है इसे कहते हैं अग्नाशयी रस कहते हैं, इसे हम अग्नाशयी रस कहते हैं, ठीक है। और जो अग्नाशयी रस होता है इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं, ठीक है, पूर्ण पाचक रस कहते हैं किसको, अग्नाशयी रस को, ओके। और जो हार्मोन निकलता है यहां से, तो उस हार्मोन को हम कहते हैं इंसुलिन, इंसुलिन और ग्लूकागन, क्या कहते हैं उसे, इंसुलिन और ग्लूकागन, क्लियर है, इंसुलिन और ग्लूकागन कहते हैं, ठीक है। तो जो अग्नाशय से हार्मोन निकलेगा और इंसुलिन ग्लूकागन रहेगा, क्लियर। तो देखो यहां पे अग्नाशय जो हार्मोन निकलेगा वो इंसुलिन और ग्लूकागन रहेगा, क्लियर है। अब लीवर क्या होता है, लीवर से क्या होता है, बाइल डक्ट होती है, देखो लीवर क्या कहता है, पित्ताशय होता है यहां पे, तो लीवर में क्या होती है, बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट होती है, ठीक है, लीवर में बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट क्या कहलाती है, इन्हें हम कहते हैं पित्त नलिका कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पित्त नलिका कहते हैं, इन्हीं पित्त नलिकाओं से पित्त का निर्माण होता है, क्या होता है, पित्त का निर्माण होता है, ठीक है, यानी पित्तरस, ठीक है, इन्हीं पित्त नलिकाओं से पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस कैसा होता है, एक हरा पीला क्षारीय पदार्थ होता है, जो आपके ग्रहणी में आए हुए भोजन को, अब देखो भोजन कहां से आएगा, भोजन आपके आमाशय से ग्रहणी में आएगा ना, देखो अब एक हम क्रम पहले देख लेते हैं तब आपको बताते हैं। देखो यहां पे
यहां पे आपका मुख गुहा है नंबर एक पर, ठीक है। यहां से फूट आगे बढ़ेगा तो कहां पे आएगा, ग्रास नली में आएगा, ग्रास नली नंबर दो पर। फिर क्या आएगा, आमाशय में आएगा, आमाशय नंबर तीन पर। तो यहां पर जो भोजन होता है वो कैसा होता है, वो भोजन कैसा होता है, क्षारी होता है। कैसा होता है भोजन, वो भोजन क्षारी होता है। और क्या होता है यहां पे, यहां पे स्टार्च के रूप में रहता है, वो किसके रूप में रहेगा, वो स्टार्च के रूप में रहेगा, ठीक है। तो यहां पर जो भोजन स्टार्च के रूप में रहेगा वो क्या करेगा, स्टार्च में, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया जाएगा। कौन तोड़ेगा, तो यहां पे लार होती है ना, आप मतलब लार निकलती है ना, लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन। देखो यहां से फूड आगे जब बढ़ेगा तो बिल्कुल पचेगा नहीं, वहां पे पाचन नहीं होता, यहां पे क्या है फूड को आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ग्रास नली क्या है, एक ऐसे 25 सेमी लंबी नलिका है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है। फिर फूड कहां आएगा, आमाशय में आएगा। अब जब फूड आमाशय में आता है तो यहां पे जठर रस होता है, क्या होता है यहां पे, जठर रस होता है। और जठर रस में होता है आपका HCl, क्या होता है आपका HCl होता है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है, क्या करता है भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है। अब यहां भोजन तो अम्लीय हो गया, जब भोजन अम्लीय हो गया तो आमाशय में भोजन कैसा हो गया, आमाशय में तो भोजन आपका अम्लीय हो गया ना यार। तो यहां पे देखो आमाशय का भोजन कहां पे आएगा, छोटी आंत में आएगा। आमाशय के बाद जो फूड है वो छोटी आंत में आएगा। जब छोटी आंत में फूड आएगा ना तो छोटी आंत के ऊपर यहां पे यकृत होता है और यहां पे ऊपर क्या होता है, अग्नाशय होता है, ठीक है, अग्नाशय, क्लियर। अब जो आपका यकृत है तो यकृत से क्या निकलेगा, आपका पित्त रस निकलेगा, ठीक है। ये पित्त रस क्या करता है, ये पित्त रस आपके छोटी आंत में जो भोजन आ चुका है, छोटी आंत में कहां आएगा भैया, तो छोटी आंत के ग्रहणी में आएगा, ठीक है। छोटी आंत के, छोटा तो दिख रहा है ना, हाँ चलो दिख रहा है तो कहां आएगा, छोटी आंत के ग्रहणी में आएगा, ठीक है। तो जब पित्त रस ग्रहणी में पहुंचेगा, जब पित्त रस ग्रहणी में पहुंचेगा तो यहां पे जो आमाशय से फूड ग्रहणी में आया है वो कैसा रहेगा, वो अम्लीय रहेगा, वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। आमाशय का जो भोजन होता है उसे काइम कहते हैं, आमाशय में जो फूड रहता है उसे काइम कहते हैं, ठीक है। और आमाशय में जो भोजन होता है वो 4 से 5 घंटे वहां पे रुकता है। तो पित्त रस जैसे ही ग्रहणी में पहुंचेगा तो जो अम्लीय फूड हो चुका है उसे वो क्या बना देगा, उसे वो क्षारीय बना देगा, क्योंकि अगर क्षारीय नहीं बनेगा तो पचेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो क्षारीय बना देगा। फिर आपका जो यहां पे अग्नाशय है ना, अग्नाशय, अग्नाशय से निकलेगा क्या, अग्नाशय से निकलेगा अग्नाशयी रस निकलेगा। अब ये जो अग्नाशयी रस है इसे हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और ये क्या करेगा, जो आपका भोजन क्षारीय हो चुका है, जो भोजन आपका क्षारीय हो चुका है इसे पूरा क्या करेगा, इसे पूरा वो इसका पाचन कर देगा, क्या करेगा, पाचन कर देगा। कैसे पाचन कर देगा, क्योंकि अग्नाशय रस में सभी प्रकार के एंजाइम होते हैं, सभी प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो अग्नाशय में सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचा करके बिल्कुल अलग कर देते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो यहां पे क्या है, क्या पूछ रहा है कि पित्ताशय कहां होता है स्थित, तो पित्ताशय यकृत में होगा, ठीक है। और जो पित्ताशय क्या है, पित्ताशय को, पित्ताशय को हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय को हम बोलते हैं गाल ब्लैडर, क्या कहते हैं इसे, हम गाल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है, गाल ब्लैडर कहते हैं। और पित्ताशय को यकृत का गोदाम कहते हैं, ये भी ध्यान रखो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यकृत का गोदाम कहते हैं, ठीक है, पित्ताशय को यकृत का गोदाम कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपका दिया है वृक्क, ठीक है, यहां पे दिया है आपका वृक्क, दिया है वृक्क क्या है, वृक्क आपका उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है। वृक्क में क्या होती है, वृक्क में आपकी नेफ्रांस होती है, ठीक है, वृक्क में आपकी नेफ्रांस होती है, ठीक है। नेफ्रांस करती क्या है, नेफ्रांस ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, नेफ्रांस रुधिर का शुद्धिकरण करती है,
ठीक है। चलो छोटी आंत, छोटी आंत बताया मैंने कि छोटी आंत क्या है, छोटी आंत एक ऐसा पार्ट है आपके शरीर का जहां पे भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है। कहां पे होता है? गृहिणी में होता है। क्लियर है? चला जाए आगे। क्लियर हो गया? तो पित्त पित्ताशय कहां होता है आपका? यकृत में होता है। और पित्ताशय में क्या होता है? पित्ताशय में ही पित्तरस का संचय होता है, पित्तरस का संचय होता है। ठीक है, पित्तरस का निर्माण कहां पे होता है? तो यकृत में होता है। पित्तरस का श्रावण कहां से होता है? यकृत से होता है। लेकिन अगर पूछे कि संचय कहां पे हो, सेविंग कहां पे होती है, तो पित्ताशय में होती है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया ना? क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है? यूरिक एसिड निम्न में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है? देखो, मेंढक मनुष्य का, पक्षी सर्प का, अमीबा या तारा मछली का, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर दो भैया। यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है? तो देखो आंसर तो दिया ही है फटाफट, आपका आंसर क्या दोगे आप? आंसर तो लग ही गया यहां पे, पक्षी और सर्प का है। अब देखो यूरिक अम्ल क्या है? अब देखो जो यूरिक एसिड है ना, इसके उत्सर्जन में, यूरिक अम्ल के उत्सर्जन में पानी की बहुत ही कम मात्रा लगती है। क्या है? पानी की बहुत ही कम मात्रा लगती है। और इसका उत्सर्जन कौन करता है? पक्षी करते हैं, छिपकली करती है, सर्प करते हैं, और कुछ कीट भी करते हैं। ठीक है, कुछ कीट भी करते हैं। ठीक है, तो यूरिक अम्ल क्या है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जो है पक्षी, सर्प, कीट और छिपकली आदि जंतु करते हैं। इसमें क्या होता है? यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए पानी की बहुत ही कम मात्रा की जरूरत होती है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा की जरूरत होती है। और जो जंतु यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जो जंतु यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें क्या हम कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटिलिक कहते हैं, यूरिकोटिलिक कहते हैं। ठीक है, यूरिकोटिलिक कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, एक उत्सर्जी पदार्थ यूरिया भी है, एक उत्सर्जी पदार्थ यूरिया भी है। तो यूरिया को उत्सर्जन में क्या होता है? काफी पानी लगता है। ठीक है, यूरिया को उत्सर्जन में क्या होता है? पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन फिर भी यूरिक अम्ल से ज्यादा लगती है। तो यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? यूरिया का उत्सर्जन कौन करेगा? स्तनधारी करेगा। कौन करेगा? स्तनधारी। और इसको क्या बोलेंगे? यूरियोटिलिक बोलेंगे। क्या कहेंगे इसे? यूरियोटिलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? यूरियोटिलिक बोलेंगे। देखो ये तो हो गया। अब एक और पदार्थ होता है अमोनिया। आप सभी जानते हो कि अमोनिया बहुत ही विषैला पदार्थ है। और इसका उत्सर्जन कौन करेगा? तो इसका उत्सर्जन जलीय जंतु करेंगे। कौन करेगा इसका उत्सर्जन? जलीय जंतु करेंगे। और ये जो जलीय जंतु होते हैं, क्योंकि अमोनिया के, जानते हैं, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बहुत ही ज्यादा पानी की मात्रा लगती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पानी की मात्रा लगती है। और जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अमोनोटिलिक कहते हैं, अमोनोटिलिक कहते हैं। ठीक है, ओके ओके, एवरीथिंग ओके ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखो, सब बता दिया ना मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे चलो, ठीक है, आपका ये आखिरी क्वेश्चन है शायद। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो आंसर तो आपको यहां पे दिया है श्वसन। श्वसन तो दिया ही है, लेकिन यहां पे आप जानो कि इसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो यहां पे श्वसन क्या है? श्वसन के कैसी, श्वसन जानते हैं? श्वसन जो एक प्रक्रिया होती है, तो ये कैसी? देखिए, हमारे शरीर में जो मुख्य प्रक्रिया होती है वो होती है उपापचय। उपापचय, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं इसे? हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उपापचय, मेटाबॉलिज्म। कहने का मतलब,
शरीर में भोजन के अंतर्ग्रहण, मतलब हम खाना खाते हैं ना, तो शरीर में भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के उत्सर्जन तक की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, उपापचय की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो उपापचय की जो प्रक्रिया होती है तो एक होती है अपचय, एक होती है अपचय और एक होती है उपचय। ठीक है, एक होती है अपचय, अपचय यानी कैटाबॉलिज्म और उपचय यानी एनाबॉलिज्म। ठीक है, अपचय यानी कैटाबॉलिज्म और उपचय यानी एनाबॉलिज्म। तो जो अपचय की प्रक्रिया होती है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऊर्जा का ह्रास करते हैं। कहने का मतलब जो अपचय की प्रक्रिया इसमें क्या होता है, अपचय की प्रक्रिया में ऊर्जा का ह्रास होता है, इसमें हम ऊर्जा कैलोरी बर्न करते हैं, अपनी ऊर्जा जो है व्यय करते हैं। और श्वसन क्या है, श्वसन एक ऐसी ही प्रक्रिया है। ठीक है, श्वसन एक ऐसी ही प्रक्रिया है। और जो उपचय होती है इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऊर्जा गेन करते हैं, क्या करते हैं, ऊर्जा गेन करते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोनों प्रक्रियाएं जो है साथ साथ चलती हैं। तो जो उपचय की प्रक्रिया है ये क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ऊर्जा गेन करते हैं, मतलब ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उपचय में कौन सी प्रक्रिया आएगी आपकी, पाचन। तो जब पाचन की प्रक्रिया होती तो उपचय कहलाती है, जो श्वसन की होती है वह अपचय कहलाती है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है या क्या होती है, या विखंडनात्मक होती है। कैसी होती है, विखंडनात्मक, यानी इसमें हम ऊर्जा का ह्रास करते हैं, विखंडनात्मक होती है ये। ठीक है, और यह कैसी होती है, तो यह जो होती है यह निर्माणाधीन होती, यानी सृजनात्मक होती है यह कैसी होती है, सृजनात्मक होती है। यह भी ध्यान रखो, कहने का मतलब जो अपचय की प्रक्रिया होती है इसमें हम अपने क्या करते हैं, इसमें अपने फैट को, अपनी कैलोरी को हम बर्न करते हैं। अगर अपनी भाषा में देखा जाए तो अगर मोटे से दुबला होना है तो क्या है, मोटे से दुबला होना है तो श्वसन की प्रक्रिया उसको मान चलते हैं, और अगर पतले से मोटा होना है तो क्या इसको मानेंगे, हम पाचन की प्रक्रिया मानेंगे। यह कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कैसी है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस यानी विखंडनात्मक क्रिया है। ओके, और यह कैसी है, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कैसी है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, ये बिल्डअप इसमें होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग होती है, इसमें हम कैलोरी बर्न करते हैं यानी ब्रेकिंग होती है, और इसमें क्या होता है, कैलोरी गेन करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या दिया है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इनमें कौन मेन कार्य करता है, आपका लवक। लवक यानी कौन सा, आपका हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। और इस हरित लवक में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है भैया, तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के भोजन निर्माण में सहायता करता है। हरित लवक को पौधों का रसोई घर कहते हैं। हरित लवक क्या बोलते हैं, हरित लवक को पौधों का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, हरित लवक जो है पौधों का रसोई घर है। क्लियर, अब यहां पे आप ध्यान रखो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या दिया है आपका, पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, आपके पूछ रहा है कि कौन सी प्रकार जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो वो श्वसन हो गई। क्लियर है, तो आपका श्वसन क्या है, एक विखंडनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, एक विखंडनात्मक प्रक्रिया है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो आज यहां पे क्वेश्चन आपका यही समाप्त हो गया। ठीक है, ये आपका बॉटनी का पहला चैप्टर था जिसमें हमने लाभदायक पौधे देखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।